लखनऊ से नई दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस आज से शुरू हो रही है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे संवाददाता लोमस झा की ये रिपोर्ट देखिए। देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस आज लखनऊ के स्टेशन पर खड़ी है और कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रेन का आज पहला दिन है, उसको लेकर के खासा तैयारी की गई है। ट्रेन को दुल्हन की तरह यहाँ पे तैयार किया गया है, सजाया गया है और एक कारपेट भी लगाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस ट्रेन में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको एयरलाइंस में बैठने के बाद मिलती हैं और पूरी तरीके से कह सकते हैं यात्रियों का जो पैसा है वो यहाँ पे वसूल होता हुआ दिखता है। ट्रेन में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, पुश बटन है, एक ही क्लिक में आपकी अटेंडेंट आपके पास पहुंच जाएंगी और इसी एक क्लिक में जो भी आपको पानी की बोतल चाहिए या फिर किसी दूसरे तरह का हेल्प चाहिए यहाँ पे आपको मुहैया करवा दी जाएगी। और साथ ही जो अलग सा एक फीचर है वो है ट्रेन के विंडो, ये ऑटोमेटिकली विंडो है, एक क्लिक में ऊपर जाता है, एक क्लिक में नीचे आती है ये पूरी विंडो। कहीं ना कहीं यहाँ पे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस विंडो को तैयार किया गया है। पूरी ट्रेन को अत्याधुनिक टेक्निक से बनाया गया है। कई और दूसरे फीचर्स हैं। जो सबसे बड़ा फीचर है इस ट्रेन में, अगर ट्रेन एक घंटे लेट होती है या फिर दो घंटे से ज्यादा लेट होती है तो यात्रियों के जो पैसे हैं वो भी रिफंड होने की बात यहाँ पे कही जा रही है। एक घंटे लेट होने पे 100 रुपए और दो घंटे से ज्यादा लेट होने पे 250 रुपए। कहीं ना कहीं यात्रियों को पूरी तरीके से जो एयरलाइंस में सुविधाएं मिलती हैं उसका खासा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो जिस खास ट्रेन का इंतजार कर रहे थे आज इंतजार खत्म होगा। योगी आदित्यनाथ इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रुक रहे ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन।